अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मरी रोड पे रावलपिंडी बेनज़ीर हॉस्पिटल के बाहर। ये आप देख सकते हैं इस वक्त यहाँ क्या हालात हैं, मनाजर कुशीदा है। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं शेलिंग भी हो रही है। और जनाब यहाँ पे बहुत ज़्यादा कारकुनों की तादाद मौजूद है जो मरी रोड को दोनों तरफ से बंद किए हुए हैं। इस तरफ इन्होंने जो कचरे वाले डब्बे हैं वो गिरा के और रोड पे पत्थर फेंक के, डंडे फेंक के रोड को बंद किया है। और पुलिस ऊपर मेट्रो ट्रैक पे मौजूद है, वहाँ से शेलिंग कर रही है। और पीटीआई के कारकुनान नीचे मौजूद हैं। हालत ख़राब हो रही है, रिपोर्टिंग करते हुए आंखों में बहुत ज़्यादा धुआं लग रहा है, गला बंद हो रहा है। अभी हम भी साइड पे होने की कोशिश कर रहे हैं, आप देख सकते हैं लियाकतबाग से आने वाला जो रास्ता है वो इस वक्त बंद है। जो फैज़ाबाद से सेंट्रल हॉस्पिटल की तरफ रास्ता आ रहा है वहाँ पे आप देख सकते हैं इस वक्त कारकुनान मौजूद हैं और बहुत ज़्यादा रश है। बिल्कुल सामने हॉस्पिटल है, मरीज़ भी आते जाते हैं, लेकिन यहाँ पर शेलिंग हो रही है जिसकी वजह से ख़ासकर मरीज़ जो लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल हॉस्पिटल के सामने इन्होंने रोड बंद कर दिया है। अल्लाह पाक रहम करे, बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है जो मरीज़ हैं या उनके साथ जो लाहिकीन हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सियासी जमातें और हुकूमत तो आमने सामने आती रहती हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो नुकसान हो रहा है वो एक गरीब लोगों का, आम लोगों का, और बीमार लोग जो अस्पताल के लिए मरीज़ आए हैं उन लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। ये आप देख सकते हैं कारकुनान काफ़ी ज़्यादा मुश्ताइल हैं और रोड को बंद किया गया है। जैसे ही कोई वीडियो आती है हम इधर मौजूद हैं, लेकिन शेलिंग की वजह से तबीयत ख़राब हो रही है, मज़ीद रिपोर्टिंग भी करेंगे।